हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए बात करते हैं, आज हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी डीमार्ट का हम रिजल्ट के बारे में एनालाइज करेंगे, कैसे क्या रिजल्ट आए, कब ऐसा मार्केट में आ रहा है कि रिजल्ट खराब आए। उस चक्कर में शेयर की कल पिटाई भी अच्छी खासी हुई, 4.80% ये नीचे गिरा भी है। चलिए देखते हैं, एंड स्क्रीन पे खोल रखा है हमने। और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। बाकी कंपनी अच्छी है। और या ये क्वार्टरली रिजल्ट ये दिख रहे हैं दिसंबर 2022 के। दिसंबर 2022 में उन्होंने 11,569 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, और लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने 9,218 करोड़ की सेल्स जनरेट की थी। तो एज सच ईयर वाइज कंपेयर किया जाए तो इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर हम सितंबर 2022 के क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, यानी सेल्स अच्छी खासी बढ़ी है। और यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 965 करोड़ इस बार आया है दिसंबर 2022 में, और सितंबर में 892 करोड़ के इनके पास नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, और दिसंबर 2021 की बात करें तो 866 करोड़ इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। तो ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज है लास्ट दिसंबर से, लास्ट सितंबर से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज है, सेल्स भी इंक्रीज है सितंबर से और लास्ट दिसंबर से भी सेल्स इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट सितंबर में 9%, लास्ट दिसंबर में 9% था, और अभी इनका 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और सितंबर में भी 8% था। तो एज सच जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से। अदर इनकम भी लास्ट दिसंबर में जो आया था वो 26 करोड़ का आया था, और अभी लास्ट सितंबर जो रिजल्ट आए थे सितंबर 22 के उसमें 36 करोड़ आया था, और अभी जो दिसंबर में आया उसमें 32 करोड़ आया। तो एज सच अदर इनकम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट ठीक है, अगर हम दिसंबर से बात करेंगे दिसंबर 22 के रिजल्ट से तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ईयर एंड ईयर क्वार्टर की हम बात करें तो। एंड हम यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 812 करोड़ का इन्होंने दिखाया है, 812 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, और सितंबर में यही 748 करोड़ रेटिंग बिफोर टैक्स आया था, और यही दिसंबर की बात करते हैं दिसंबर 21 में तो 750 करोड़ का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था बिफोर टैक्स। तो एज सच मुझे रिजल्ट में कुछ खराबी तो नहीं लगती, क्योंकि दिसंबर से अगर हम देखेंगे लास्ट दिसंबर से तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है यानी, और सितंबर से बात करेंगे तो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। बस यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम आई है वो इनका जो टैक्स का दायरा जो था ना वो यहाँ पे 8% है सितंबर क्वार्टर में, और यहाँ पे 27% है, तो जो जो टैक्स थोड़ा सा बढ़ा है उस चक्कर में ही इनका रेवेन्यू थोड़ा सा इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में घट गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे गौर से देखेंगे सितंबर 2022 के इनका जो टैक्स का स्लैब दिखाया गया है वो 8% के हिसाब से टैक्स काटा गया है, इसलिए इन्होंने 686 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर यहाँ पे वही टैक्स रहता तो काफ़ी कम हो जाता। बेसिकली क्या है कि अगर हम ये टैक्स के स्लैब यहाँ से थोड़ा सा सही करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और सितंबर लास्ट दिसंबर से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आया है टैक्स की स्लैब को रेट को कंसिस्टेंट वहीं पर रखते हुए, तो 590 करोड़ का मुझे प्रॉफिट सही लगता है। ऐसा कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी का बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इज डूइंग वेल, और ये शेयर का प्राइस इसी चक्कर में लोग थोड़ा रीड आउट नहीं करते हैं और नीचे गिर गया। ईपीएस भी अच्छी खासी जनरेट हुई 9.10 की, और पिछले साल दिसंबर में यही ईपीएस 8.53 की जनरेट हुई थी। तो ऐसा सितंबर के रिजल्ट में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक पीपीटी जो उन्होंने रिजल्ट शो किए हैं उसमें देखते हैं कि ये पीडीएफ अवेलेबल डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के जो दिखाए गए स्टैंडअलोन टोटल रेवेन्यू अप बाय 24.7% से इनके इंक्रीज हुए लास्ट ईयर के 11,305 करोड़। यहाँ पे देखेंगे ना तो स्टैंडअलोन रेजेंट जो दिखाए गए हैं वो स्टैंडअलोन टोटल रेवेन्यू स्टूड एट 11,305 करोड़, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई 24.7% की। इबिटा जो आया है वो 974 करोड़ का है, ईयर एंड ग्रोथ 12.2% की आई है, और पैट स्टूड एट 641 करोड़, ईयर एंड ईयर गोट 9.4 आया है। एंड 4 स्टोर इन्होंने नए ऐड किए Q3 में, ये भी लिखा है 4 स्टोर पर एडेड इन Q3 फाइनेंशियल 2012। अगर हम बात करेंगे इन्होंने फॉर द 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2022 में दिखाया गया टोटल रेवेन्यू स्टोर 13, अगर पूरे 9 महीने का रेवेन्यू इनके पास हुआ है तो 31,496 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और 44.48% अप हुआ है लास्ट ईयर ईयर एंड ईयर ग्रोथ में। एबिटा 2,877 करोड़ से ईयर एंड ईयर ग्रोथ में 63.5 का हुआ है, और पैट स्टूड एट 2,051 करोड़ में ईयर एंड ईयर 78.84 का ग्रोथ हुआ है, इंक्लूडिंग वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट पीरियड ईयर
RF 141 करोड़, ये भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। बेसिक ईपीएस 9 मंथ की जो दिखाई गई है 31.67 है, और कंपेयर टू 17 पॉइंट लास्ट ईयर की जो ईपीएस जो 3 महीने जनरेट हुई थी वो 17.77 रुपये हुई थी, अभी 31.67 हुई। पिछले साल इन्होंने और अभी तक 9 महीनों में इन्होंने 22 नए स्टोर ऐड कर चुके हैं। तो एज सच मुझे ज़्यादा कुछ खराब रिजल्ट नहीं लग रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आए हैं। और ये थोड़ा बहुत मार्केट में इनकम टैक्स का जो स्लैब दिखाया गया उसी में जिनको टैक्स ज़्यादा टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया तो उनका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी आप ये पूरी बैलेंस जो 4-5-11 पेज की अवेलेबल है स्क्रीनर पे, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई कम अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड दूसरी कंपनी का रिजल्ट बात करेंगे, एंड कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड का भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो पूरा डिटेल में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर उसको वॉच करिए और उसको थोड़ा समझिए। और आज हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, जो रिजल्ट अभी आए हैं इंफोसिस के। तो यहाँ पे दिसंबर 2022 के स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो इन्होंने 38 या 318 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, और पिछले सितंबर से अच्छी खासी सेल्स इंप्रूव हुई है, तकरीबन 1700-1800 करोड़ की। और अगर हम पिछले दिसंबर से बात करें, दिसंबर 21 से, तो बहुत अच्छी सेल्स इंप्रूव हुई है, आप देख सकते हैं। एंड अगर हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 9367 करोड़ का इनका इस बार नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और अगर दिसंबर 21 में देखेंगे तो 8383 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ था, तकरीबन 1000 करोड़ के इनके प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, तो थोड़ा सा प्रेशर है। पहले दिसंबर 26 में 26% ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अदर इनकम में 512 करोड़ थी पिछले दिसंबर की बात कर रहा हूँ, और इस बार इनकी 769 करोड़ इनकी अदर इनकम आई है। इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा पे किया है लास्ट ईयर के क्वार्टर के अपेक्ष में, और डेप्रिसिएशन भी अच्छा खासा हुआ है इस बार 1125 करोड़ और 899 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 7943 करोड़ से बढ़ के इनका 8931 करोड़ का इनका बिफोर टैक्स प्रॉफिट हो चुका है, तकरीबन 1000 करोड़ का यहाँ पे मूव दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है ना, वो 6586 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट आया है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। पर तो 6586 करोड़ इनका पास नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है क्वार्टर में, हाईएस्ट एवर दिख रहा है। और अगर दिसंबर की बात करेंगे तो 5822 करोड़ तकरीबन, अगर हम टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तकरीबन 700 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ है दिसंबर 21 से दिसंबर 22 के बीच में। तो और अगर हम यहाँ पे एक पीपी के जो रेवेन्यू ब्रेकअप दिखा देते हैं आपको, तो इन्होंने कैसे क्या यहाँ पे दिया है, 21.7 ईयर एंड ग्रोथ हुआ है इनका, सीसी डिजिटल ग्रोथ हुआ है इनका। और एक जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था ये रहा, इनका जो दिसंबर 22 में फाइनेंशियल सर्विस से 29.3% रेवेन्यू आया, रिटेल से 14.3 आया है, कम्युनिकेशन से 12.3 आया है, रेवेन्यू ब्रेकअप बता रहा हूँ, एंड एनर्जी यूटिलिटीज से 13.0 आया है, मैन्युफैक्चरिंग से 13.3 आया है, हाईटेक से 8.1, लाइफ साइंसेज से 7% आया है, और अदर से 2.7% जनरेट हुआ है प्रॉफिट। अगर हम बात करें जैसे अमेरिका में बोल रहे हैं मंदी आ रही, मंदी आ रही, कहाँ मंदी आ रही है, नेट प्रॉफिट इनके जबरदस्त आए हैं। नॉर्थ अमेरिका से 62% इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ग्रोथ हुई है, और यूरोप से 25.8 आया है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 9.8 आया है, इंडिया से सिर्फ 2.4% इनके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो एज सच रिजल्ट अगर हम बात करें कि इन्फोसिस और एवेन्यू सुपरमार्केट के, दोनों के रिजल्ट मेरे हिसाब से काफी अच्छे आए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट की बात करें तो टैक्स स्लैब थोड़ा सा बढ़ गया लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा, इसलिए आपको नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी इंक्रीज हुई लास्ट ईयर से, लास्ट क्वार्टर से भी। सो आई डोंट थिंक सो कि रिजल्ट खराब आए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। सो आई होप आपने ये रिजल्ट अंडरस्टैंड किए हो, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।